हाँ तो यार इतना खाली खाली मॉल मैंने कभी नहीं देखा था, फर्स्ट एक्सपीरियंस है। निकलते हैं, मजा नहीं आ रहा यहाँ पे बिल्कुल भी। तो ये रहा अपना कोबी। कोबी की हालत पहले बहुत बिगड़ गई थी, इसे आधे घंटे के लिए हम छोड़ते थे बाहर जाके, इसके चिच्चड़ बढ़ जाते थे, वो जो खून चूसने वाले होते हैं। तो अभी हम इसे बाहर बिल्कुल नहीं जाने देते। तो अभी ये बिल्कुल ठीक है, कतरी ने अच्छे से इसे नहलाया है, साफ़ किया है, लेकिन फिर भी इसके बाल काफ़ी झड़ रहे हैं। ये देख लो, ये देखो, और इसी तरह से नीचे भी है। आफकोर्स बहुत अभी दिखेंगे नहीं, कैमरा में क्लियर नहीं आएंगे, वैसे थोड़ा कोशिश करता हूँ दिखाने की, तो लेकिन अभी ही इज ओके। सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बप्पी गरेवाल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार आज लॉकडाउन के दौरान दूसरा ब्लॉग है अपना, और क्योंकि 4-5 दिन से मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। वैसे अपना रोस्ट चैनल के ऊपर मैं काम कर रहा था, जिन लोगों ने मेरा रोस्टिंग वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। और कैथरीन का आज फिर से डे ऑफ है, लगातार आज तीसरा डे ऑफ है, अब बिकॉज ऑफ ये जो यहाँ पे लॉकडाउन वाला सीन चल रहा है उसकी वजह से, तो कई मॉल्स में जो इनका जो काम है वो बंद हो गया है, तो उसकी वजह से लड़कियाँ जो है ज़्यादा फ्री हो चुकी हैं, तो फिर वो बारी बारी मतलब एक ही जगह पे एडजस्ट हो रही हैं ना, तो इसलिए डे ऑफ ज़्यादा हो रहे हैं। तो कैथरीन से मिलाता हूँ आपको। हाँ, तो ये रही कैथरीन। कैथरीन, व्हाट आर यू डूइंग? यूट्यूब। नेटफ्लिक्स नॉट वर्किंग? तो पहले इसका नेटफ्लिक्स नहीं चलता था, लेकिन अभी नेटफ्लिक्स भी चलता है, लेकिन उससे भी बोर हो गई, अभी यूट्यूब देख रही है। हाय टू एवरीवन, हेलो। तो पुरानी वीडियोस अगर आप लोगों ने देखी होगी, ये दो फ़ोन हमने खरीदे थे किसी को बेचने के लिए, तो फाइनली इन्हें सेंड करना है, लेकिन सेंड करने से पहले इसके ऊपर ग्लास लगवाना है, क्योंकि इन दोनों के ऊपर प्रोटेक्शन नहीं है, तो अपने को बाद में सेंड करने हैं ये दोनों फ़ोन। तो और भी घर की दो तीन चीज़ें लेके आनी है। कैथरीन बोलती है कि आप समोसे बना लेते हैं, तो ये मैं लेके जा रहा हूँ अभी ग्लास लगवाने के लिए, और समोसे के लिए आलू और गाजर कैरेट लेके आनी है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ। यार एक बात का मुझे बहुत अफसोस है कि मेरे पास सेटअप नहीं है हेलमेट का, जैसे मैं पहले बाहर निकल के वीडियो बनाता था, उस तरह से मैं बना नहीं पा रहा हूँ यार, कुछ जुगाड़ भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैंने जो पुराना सेटअप था ना, गुस्से में उसे उतारा और तोड़ दिया, अभी उसका भी कुछ हो नहीं सकता, तो नया भी नहीं है, तो इसलिए थोड़ी वीडियो बनाने में दिक्कत हो रही है। ये देखो कितना बड़ा हो गया, कैसा था जब लेके आए थे इसे, देखो। चलो चलो, तो अभी चलते हैं बाहर। और कैथरीन का एक ना बैग की जिपर ख़राब है, तो बोलती है कि वो भी लेके आना, कल मैं लेने के लिए गया था तो वो दुकानें बंद थी, रीज़न मुझे समझ में नहीं आया कि वो जो जिपर वाली जो प्लास्टिक की दुकानें होती है ना सामान बेचने वाली, वो सारी दुकानें बंद थी, पता नहीं उन्हें परमिशन नहीं है या क्या है, पता नहीं, चलो देखते हैं, आज शायद खुली हो। मकानों 53 लहर। तो ये रही मोबाइल वाली दुकान। तो ये दुकान वाले ने भी दुकान खोल रखी है, वैसे ही परमिशन नहीं है, बोलता है कि थोड़ा ऐसे ही बरंगा वालों को रिक्वेस्ट करके खोल रखी है, थोड़ा शटर डाउन करके, तो यार करेंगे भी क्या है ना, भूखे थोड़ी मरना है, तो ये जुगाड़ बेचारे कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी दुकानों को परमिशन नहीं भी है, तो उनमें से ये भी दुकानें हैं शायद मोबाइल एक्सेसरी वाली, तो चलो बेचारे कर रहे हैं जुगाड़ कुछ ना कुछ, है ना। तो इस साइड में भी बहुत सारी दुकानें बंद हैं, और जिपर नहीं मिली जो कैथरीन बोल रही थी कि लेके आना, ये कुछ इस तरह से जुगाड़ करके रखा है इन लोगों ने भी, थोड़ी सी दुकान खोल रखी है और इस तरह से कर रहे हैं काम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल चाल। तो आज है कैथरीन का फिर से डे ऑफ। कैथरीन ये सफाई कर रही है यहाँ पे, ये रहा अपना कॉपी। और जब से ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, कैथरीन का काम 2 दिन चला है, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि जैसे पहले 2 लड़कियाँ एक टाइम पे काम करती हैं, तो उन्होंने एक कर दी है, ठीक है, कि एक दिन में एक लड़की चाहिए, और एक मॉल में एक उनकी जो दुकान है सेम है ना, ब्रांचेस होती हैं अलग अलग,
तो वो ब्रांच भी बंद कर दी गई है टेम्प्रेरी बेस के लिए, क्योंकि एक महीने का 60,000 तो रेंट है वहाँ पे, तो रेंट कैसे देंगे अगर इनकम अच्छी नहीं आ रही है ना। तो वो भी अपनी जगह पे ठीक है, तो थोड़ी बहुत इन्होंने एडजस्टमेंट की है, तो मतलब हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन ये काम रहेगा जब तक 20 आती है, और अगर 20 के बाद एक्सटेंड हो जाता है तो फिर से वही हालात रहेंगे, है ना। तो ये कुछ चल रहा है अभी के लिए, और ये रही कितरीन। हाय टू एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है दिन, व्हाट डे टुडे? फ्राइडे। अच्छा, तो आज फ्राइडे है और ये चाय बन रही है। मैं जा रहा हूँ बाहर पंडिसल लेने के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को भी अपने साथ लेके चलता हूँ। वैसे मेरे पास वो सेटअप नहीं है यार, पता नहीं मैं कब सेट करूँगा। मैं थोड़ा अपने दूसरे चैनल के लिए काफ़ी बिजी था कुछ दिनों से, तो जिन लोगों ने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लिंक ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। तो उसके ऊपर, इसके ऊपर या जो भी मेरे 2-3 चैनल है सभी को सब्सक्राइब कर रखो, किसी ना किसी के ऊपर कोई ना कोई वीडियो तो मिलती रहेगी। हाँ, तो टाइम हो चुका है शाम के 3 और बारिश भी हल्की सी स्टार्ट हो गई है, और मेरे को कुछ चीज़ें लेके आनी थी तो अपने वीडियो के अकॉर्डिंग, और मैंने सोचा कि चलो मोटरसाइकिल पे तो जा नहीं सकते क्योंकि पूरा गीला हो जाऊंगा, जा रेनकोट पहन के कुछ ऐसे जुगाड़ करके जाना पड़ेगा, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। साइकिल पे जा सकता था, वो भी बारिश के कारण नहीं जा सकता, तो चल के प्लान किया है। और थोड़ा सा आपको व्यू दिखा के लेके आता हूँ बाहर का, लॉकडाउन में क्या सिचुएशन है। चलो, हाँ, तो बारिश की और मेरी बड़ी जोरदार दुश्मनी है यार, जब भी बाहर निकलूँ या कोई प्लान बनाऊँ तो बारिश का जरूर आना है। अभी बारिश अच्छी खासी हो रही है, बाकी यार मॉल में जाके बात करते हैं। बाकी यहाँ का माहौल ठीक ठाक है, बारिश की वजह से लोग कम है बाहर। इस मॉल के ऊपर भी बहुत इफेक्ट है ये जो लॉकडाउन का, मतलब बहुत कम दुकानें खुली हुई हैं, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ पे बंद ही हैं। लोग हैं मतलब बहुत तगड़े लेवल के नहीं हैं, और मॉल बंद है यार सारा ऑलमोस्ट। इतना खाली खाली मॉल मैंने कभी नहीं देखा था, फर्स्ट एक्सपीरियंस है। निकलते हैं, मज़ा नहीं आ रहा यहाँ पे बिल्कुल भी। मॉल के इतने बुरे हालात मैंने पहली बार देखे, सारा कुछ यार वहाँ पे बंद था, जस्ट 2-4 चीज़ों को छोड़ के ना ऑलमोस्ट सारा कुछ बंद था। तो मैं वहाँ से बाहर आ गया, जो चीज़ मुझे लेनी है वो तो यहाँ से मिल जाएगी, बाहर से मिल जाएगी आराम से। तो यहाँ पे जितनी भी छोटी मार्केटें हैं वहाँ पे जैसे पहले क्राउड होता था वैसा ही सेम होता है, जैसे अभी आप देख ही सकते हो कि नॉर्मल लोग जैसे पहले होते हैं ना, तो वैसे ही है। तो यहाँ का माहौल कुछ ज़्यादा कुछ खास चेंज नहीं हुआ है, शाम को तो इससे भी ज़्यादा क्राउड होता है ना, ऑफकोर्स लोग सामान खरीदने के लिए आते हैं, ना। हाँ, तो ये रही कैथरीन, और इसने ना जो स्टिकर बनाए थे ना वो उसमें कलर भरवाया है। हमारे है ना एक 2-4 घर छोड़ के एक लड़का है, उसने नए टैटू बनाना सीखा, तो ना उसके पास से कोई स्टिकर बनवा नहीं रहा था, इस तरह का टैटू मतलब कोई बनवा नहीं रहा था, तो वो फ्री में बनाने के लिए रेडी हो गया कि मेरे से कोई बनवा लो। तो जी बोलती है कि ठीक है मेरे बना हुआ है, उसमें कलर भरने वाला है, तुम भर दो। तो उसने कलर भर के दिया और खूब फोटोएं खींची, और उसने अपनी फेसबुक इंस्टाग्राम पे डाला कि मैंने मतलब स्टिकर टैटू आर्टिस्ट बन चुका हूँ, तो इस तरह का इसका बनाया, लेकिन अच्छा लग रहा है ये। और इससे पहले ये इसने बनवाया था और अभी ये, लेकिन अच्छा लग रहा है। हाउस योर फीलिंग, पेन और नो? Not a lot. तो जब नया नया कोई बंदा टैटू आर्टिस्ट या कोई इस तरह का काम सीखता है ना, तो लोग बड़ा डरते हैं उससे, क्योंकि उनको मतलब ऐसा लगता है कि ये कुछ काम खराब ही कर देगा। तो इसलिए वो बहुत सारे लोगों को ऑफर कर रहा था कि मतलब मेरे से आप फ्री में बनवा लो, मैं कोई पैसा नहीं लूंगा, लेकिन कोई बनवाओ तो सही, तो उससे कोई बनवा नहीं रहा था। तो कैथरीन और एक और लड़की जिसका वो भाई है, ठीक है, उसने भी बनवाया, कैथरीन ने भी बनवाया, लेकिन अच्छा बनाया उसने, ऐसा नहीं है, लेकिन 3 महीने मतलब उसने पहले सीखा था ऑफकोर्स,
बाद में ही बनाने लगा था, लेकिन फिर भी लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे थे, लेकिन ठीक है चलो जो भी अच्छा है। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें नई वीडियो में। बाय।